दोस्तों, तुमकुरु और कोलार में जो हादसा हुआ ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ और हर कोई जो है सोच में ट्रेजेडी हो रहे हैं, ऐसे जो चीज़ें हो रही हैं ये आखिर क्यों हो रही हैं। दोस्तों, कभी भी हम लोन लेते हैं या जो है ईएमआई लेते हैं, किसी भी चीज़ की अगर हम लोन लेते हैं तो उसमें जब हम बड्डी यानी कि जो ब्याज देते हैं वो हमें जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इसको हम ना जो हमारी इस्लामिक लैंग्वेज है उसमें सूदखोर कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सूदखोरों की वजह से यानी कि जो हम इंटरेस्ट खाते हैं इन लोगों की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि पैसे लेते हैं वो जो एक्चुअल पैसे वो तो वो लौटाते ही हैं लेकिन उनका जो बड्डी जो ब्याज होता है वो उनको लौटा नहीं पाते और ब्याज भी इतना ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, उनकी मजबूरी होती है कि वो जो है वहाँ पर लोन लेते हैं या कर्जा ले लेते हैं लेकिन उनकी मजबूरी को समझ के अगर आप उससे ब्याज ज़्यादा ले रहे हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं तो ये बेशक आपकी गलती है क्योंकि इसको सूदखोर कहते हैं और ये इस्लामी तरीके से अगर हम देखा जाए तो ये हराम भी है। लेकिन दोस्तों, तुमकुर और कोलार में जो हुआ ये बहुत ही एक मैं यूँ कह लूँ कि ये सबके लिए सबक है। सब कुछ हो रहा है लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। अगर वहीं कोई भी अगर छोटी सी एक बात हो तो कौम के लीडर, इसके लीडर, उसके लीडर, हमारे जो मुसलमान लीडर है बहुत आगे रहते हैं हर चीज़ में लेकिन ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ के वजह से बहुत सारी लाशें जो है आज घरों पे बिछ रही है, बहुत सारी लाशें। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि दोस्तों, एक तो कोलार का मैटर हुआ और दूसरा सबसे पहले तुमकुर का हुआ, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो इसके बाद और भी हो सकता है, लीडर इंसान की होनी चाहिए, इंसानियत की होनी चाहिए लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इसी सिलसिले में बात करते हुए जो बनशंकरी मस्जिदों के जो सदर है नयाज पाशा, वो आज हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बड़े रंज व गम के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारी कौम के आदमियाँ जो है मुसलमाना सूद में इतना डूब गई कि उसका कोई हदीश नहीं है। हालांकि उनको दीन की पहचान कम है, दीन में जो है सूद लेना भी हराम है और सूद देना भी हराम है। ये जो टुमकुर का जो वाकया चलिया, बड़ा दर्दनाक वाकया वो, उसके बारे में हमें बयान भी नहीं कर सकते कि हमें शर्मिंदगी महसूस कर रही कि ये क्या होगा। बिल्कुल हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही। हमें इतने सारे हमारी कौम के अंदर मुसलमाना इतने मालदार होते हुए इतने फंसी हालत में, यानी कि बहुत बेहतरीन हालत में मुसलमाना ही, एक मुसलमान का दर्द, एक मुसलमान का दुख एक मुसलमान बांट नहीं सक रहा है। आज उसकी तकलीफ़ में कोई काम नहीं आ रहा है। उन्हें जिसे काम नहीं आ रहा उन्हें जाकर ऐसा दर बदर जाको, ऐसा ब्यास के धंधे में पड़को, ब्यास को पैसा ले को, नहीं बनने की वजह से, तकलीफ़ की वजह से ये सब हादिसे गुजर रहे हैं। ये हादिसे हमारे सामने आको ही सो, जो हादिसे हमारे सामने नहीं आ रही वो बहुत सारे हैं। मैं बयान नहीं कर सकता कि ये कितने सारे हादिसे ही मुल्क को, किसी के घर में जोरू मरद का रिश्ता टूट गया है, किसी के घर में बाप बच्चे का रिश्ता टूट गया है, किसी के घर में भान भाई का रिश्ता टूट गया है, किसी के घर में खानदानों से बिछड़ गई। ये सूद के इसमें चंगल में सपड़ को बहुत तरह तकलीफ़ें उठा रही। हमारे मुसलमानों को क्या होगा मेरी समझ में नहीं आ रहा। इतने बैतुल महल ही, इतने इदारे ही, ये हमारे मुसलमानों को सपोर्ट करने कोई मुसलमान आगे नहीं बढ़ रहा, ये न जाने क्यों आगे नहीं बढ़ रहा, ये हमारी समझ में नहीं आ रही बात। ये जब उनके मोहल्ले में उनके एरे में ये सूद का कारोबार रोक डाले तो यहाँ तक नौबत आतिश नहीं। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ आपको, अगर ये जो बैतुल महल जो मोहल्ले में खोलती, जो बेंगलुरु शहर के अंदर बहुत सारे बैतुल महल हैं और हर शहर में ही, वो इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते, उसके ऊपर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। मेरा भी यही कहना है, जो आपका सवाल है मेरा भी वही कहना है। अगर उनको हमारी कौम के आदमियाँ थोड़ा बहुत भी हेल्प करते, थोड़ी बहुत भी मदद करते तो आज 5 आदमी की जान बच सकती थी। वो मासूम बच्चे, वो बिलबिलाते हुए, बहुत न जाने वो क्या बनने वाले थे, बड़े होकर कोई दीन का दाई बनने वाला था या दीन की दाई बनने वाली थी, न जाने क्या बनने वाले थे। 5 मौतें ये घर में 5 जनाजे उठना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये मुसलमान के दिलों को झिझोड़ने वाली चीज़ है ये। उनके ये जो है गरीब को ये मालूम ही होता नहीं जी, अनपढ़ है, गरीब है, लाचार है, मजबूर है, मजबूर भूखे के सामने रोटी नज़र आती है, ये दिखाना किसका काम मालूम। जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े अहदे पर हैं, जो आप ये बोल रही ना तुम्हें,
वो क्या बोले अभी KMDC उसके जो अहदेदार हैं वो बताना चाहिए, वो कौम तक पहुंचाना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं मुसलमानों के लिए, कौन सी स्कीमें हैं वो बताना चाहिए, उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जब काम वाला खुद वो काम ना करे तो दूसरों को क्या मालूम। ये मुझे खुद मालूम नहीं है कि माइनॉरिटीज में किस किस को क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या मिल रहा है, मुझे खुद मालूम नहीं है। अब गरीबों को क्या मालूम रहता है वो, ऐलान कहाँ तक हो रही, कहाँ तक ऐलान हो रहा है जी, कहाँ तक असम्बली तक ऐलान हो रहा है, बाहर कहाँ तक ऐलान हो रहा है मुझे सुनाइए। किसी मस्जिद में ऐलान हो रहा है, किसी इदारे में ऐलान हो रहा है, किसी मोहल्ले में ऐलान हो रहा है, कहीं पर भी ऐलान नहीं हो रहा है। हाँ, बड़े बड़े बातें हो रहे हैं अखबारों में और टीवियों में, हम भी देख रहे हैं वो, लेकिन ये जो है, ये जिसके ठेकेदार हैं अभी जो मिनिस्टर्स बन के बैठे हैं, जो अहदे पर हैं, वो उन लोगों तक पहुँचाना चाहिए जो इसके मोहताज हैं। गरीब जहाँ तक मोहताज हैं, वो गरीबों को, उन गरीबों तक उनका हक पहुँचना चाहिए। ये खुद गर्जी के लिए ये सब काम कर रहे हैं तो औरों के लिए क्या कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदार जो है मैं खुद भी उसमें ज़िम्मेदार हूँ। औरों की बात छोड़िए, मैं भी उसमें ज़िम्मेदार हूँ। क्यों बोले तो ये कौम का आदमी होकर, ये कौम की पहचान नहीं हुई, ये गरीब का दुख दर्द नहीं पहचाने, तो उसका ज़िम्मेदार मैं भी हूँ और आप भी हैं। हमारी कौम का बच्चा इसका ज़िम्मेदार है। हाँ, अलबत्ता वो अच्छे हालात में होते तो वो क्यों मरने की तैयारी कर मरने के लिए राज़ी होकर मर गए वो। अगर उसका साथ मैं भी दे दिया होता तो वो 5 लाशें नहीं उठते थे। अभी जो कोलार में जो हादसा चलिया, सिर्फ वो भी छोड़े 10-10 संगे, ये मोहल्ले में रोकना चाहिए जी। ये संगा क्या है, ये दीन से हटकर है, ये इस्लाम से हटकर है, ये दीन और इस्लाम को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी ये उलमा इकराम का काम है, ये उलमा इकराम की जिम्मेदारी है, ये उलमा इकराम बोलना चाहिए कि क्या है, इस पर जोर देना चाहिए। अभी भी नहीं जागेंगे तो घर घर से लाशें उठेंगी, मोहल्ले में जो है जो गरीब तबके के हैं उनके घर घर से लाशें उठेंगी। ये तो शुरुआत है, इसका अंजाम बहुत दूर तक जाएगा। देखिए, मस्जिदों में जो है नमाज इबादत करने की जगह है, ये इदारे भी हैं ना, बड़े बड़े बहुत सारे इदारे हैं, वो इदारों में ये मसले हल करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता मस्जिदों में जो इमाम होते हैं, जो खतीब होते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है ये हलाल और हराम की तमीज़ उनको सिखाएं। ये उलमा इकराम की जिम्मेदारी है, हलाल और हराम सिखाने की जिम्मेदारी उनकी है। अनपढ़ लोग क्या समझते हैं, ना उनको हलाल की तमीज़ है, ना हराम की तमीज़ है, ना सूद खाना हराम है, सूद को लेना हराम है। ये सबको, मुसलमान जो भी जानबूझकर है, थोड़ा बहुत पढ़कर है, उनको मालूम है, जो अनजान है उनको क्या मालूम है। अरे, वफ़ की तो बात आप मत कीजिए। ये वफ़ बोर्ड जो है मुसलमानों के कोई काम की नहीं है, खाली दिखावे की, बोल बचन की है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए बना है इदारे, वो इदारा जो है, वक्फ बोर्ड का इदारा जो है मोमिन मुसलमानों के लिए बना है। और वक्फ बोर्ड का मतलब ही क्या है, वक्फ का मतलब ही क्या है। हाँ, जब वो वक्फ बोर्ड अपनी जिम्मेदारी खुद निभाए तो ऐसे हादसे बहुत कम हो जाएंगे, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। मुझे वक्फ बोर्ड की ज़्यादातर जानकारी नहीं है, अलबत्ता मैंने सुना है कि वक्फ बोर्ड में जो वहाँ के ज़िम्मेदार रहते हैं, जो खरीब के आदमी रहते हैं, उनको ही उसका हक पहुँच, उनका उसका फ़ायदा पहुँचता है, दूसरों तक, गरीबों तक वो पहुँचता ही नहीं। हमारे जो है, हमारे खरीये में जो है, साउथ के खरीये में ये वक्फ बोर्ड क्या है गरीबों को मालूम ही नहीं है। तो वक्फ बोर्ड से कहाँ से फ़ायदा उठाएंगे वो, जब मालूम पड़ेगा तभी तो फ़ायदा उठाएंगे ना, जब मालूम ही नहीं है तो फ़ायदा कहाँ से उठाएंगे। अभी फ़ायदा जो है ये बड़ों का काम है, जो उसके ठेकेदार हैं, जो उसके मिनिस्टर्स हैं, जो उसके सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, जो उनकी टीम है, उन लोगों को ये जिम्मेदारी है कि ये उन मुसलमानों के घर घर तक इसका फ़ायदा पहुंचाए। इसका कम से कम इसके मालूमात तो हो कि वक्फ बोर्ड में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, किसका क्या हक है, किसका क्या हुकूक है, उसको मिलना ही चाहिए। ये वक्फ बोर्ड का मायना ही नहीं है। ये घर में 5 लाशें उड़ गई, अगर वो 5 लाशें जिंदा होती तो एक कोई नेता उनके घर के पास जाता, वोट मांगता। अभी क्या कब्रिस्तान में जाकर वोट मांगेंगे वो, अभी क्यों आवाज़ उठाएंगे वो, अभी उनकी ज़रूरत ही नहीं है आवाज़ उठाने की। जब उनका फ़ायदा होता है तभी उन्हें आवाज़ उठाते हैं, वो चाहे कहीं का भी नुमाइंदा हो, कहीं का भी वो MLA हो, कोई भी मिनिस्टर हो या काउंसलर हो, कोई भी हो, जहाँ पर उसको फ़ायदा है वहीं पर उसका
दाखिल होता है वो, जहाँ पर फ़ायदा नहीं होता वहाँ पर दाखिल होता ही नहीं, वहाँ उसको पता ही नहीं होता कि यहाँ क्या चल रहा है क्या क्या नहीं चल रहा है। मैं बोला ना आपको, अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो हर मुसलमानों के घर घर में जो भी मायूस है, मजबूर है, जो भी जो गरीबी के चंगल में फंसे हैं, उनके घरों से लाशें उठेंगी। ये तो शुरुआत है, जाते जाते देखिए इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरा कहना ये है कि मुसलमानों को हलाल हराम की तमीज़ सीखना चाहिए, जितना है उसमें सुखी जीवन गुजारना चाहिए, वो चाहे ऑटो ड्राइवर क्यों ना हो, चाहे कूली करने वाला क्यों ना हो, चाहे वो फल्ली बेचने वाला क्यों ना हो या पंडू बेचने वाला क्यों ना हो, उसकी औकात में रहना चाहिए, खर्च से दूर रहना चाहिए, सूद से दूर रहना चाहिए। जो आदमी सूद से दूर रहता है, सूद खाने से और सूद पे लेने से दूर रहता है, उसका घर सुखी रहता है और बहुत शांति से रहता है।